सो गाइस स्वागतम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर के सीजन 3 एपिसोड 7 के बारे में, जो कि आज रिलीज हुआ है। नहीं, कल रात रिलीज हो गया था, लेकिन दो समझ लो आज रिलीज हुआ क्योंकि 12 बजे के बाद रिलीज हुआ था। और भाई मैं बताने से पहले बता देता हूँ, एक्सप्लेन करने से पहले बता देता हूँ कि मैंने ये एपिसोड दो बार देखना पड़ा, क्योंकि एक बार मैंने देखा तो मेरे दिमाग के थोड़ा सा ऊपर से गया, क्योंकि मांगा मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जितना जरूरत था उतना पढ़ा, तो मेरे को दो बार देखना पड़ा ताकि अच्छे से समझ में आया और मैं तुम लोग को अच्छे से समझ में मतलब अच्छे से समझा पाऊँ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मोइचिरो के बारे में, क्योंकि मैंने पहले एपिसोड पहले इस वीडियो में बता दिया था कि ये एपिसोड मोइचिरो के पूरा डिटेल्स बताएगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन जो लग रहा था वैसा ही हुआ कि ये एपिसोड पूरा का पूरा मोइचिरो के बताएगा, इसमें कोई और कैरेक्टर के स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया है, बस मोइचिरो ही मोइचिरो है। और लावाशिरो तो 3 एपिसोड से लापता है, उसको पता नहीं कहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है, मोइचिरो वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड देन जो छोटे छोटे डेमन से वो हमला कर देता है। और मोइचिरो को तब उसके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रहता, क्योंकि वो वहाँ से अपना जितना भी स्ट्रेंथ था वो लगा के वहाँ से बाहर निकला था, तो उसके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं था। तो वो मतलब समझ रहा था कि अब मैं क्या करूँ ताकि मैं इनको मार पाऊँ और मैं बच्चे को बचा सकूँ। अब एक बात बताऊँ कि बच्चा मरा नहीं, अभी भी उसमें जान है। तो उसके बाद क्या होता है कि मोइचिरो अपना फिर उसको पास्ट याद आता है, और तब हमें दिखाया जाता है कि उसके पास्ट के बारे जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड है, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। मतलब जैसे 10 साल की उम्र में उसके माँ बाप गुजर गया, माँ कोई उसका कोई तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो उसी वक्त फिर पापा क्या कहते थे कि वो अपना दवाई लेने गया था, तो दैट्स वाई अब दवाई लेते वक्त वो पैर फिसल के मतलब नीचे फिसल गया और मर गया, और माँ तो भाई दवाई नहीं था तो इसलिए वो भी मर गया। और वो 10 साल का था भाई, 10 साल का था तब वो मर गया। और देन हमें दिखाया जाता है कि वो उसके क्वीन ब्रदर भी था, जो कि उसका शायद दोनों का बड़ा छोटा वो पता नहीं, वो इतना अच्छे से नहीं बताएगा, शायद वो बड़ा होगा मोइचिरो छोटा होगा। देन क्या होता है कि उसके बड़ा भाई वो होता है, देन एक दिन क्या होता है दोनों साथ में रहते हैं और एक बंदा आता है डेमन स्लेयर के लड़की आते हैं, जो कि उनको ऑफर करते हैं कि तुम शॉर्टमैन बन सकते हो। अब मोइचिरो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, वो भी चाहता है कि मैं शॉर्टमैन बनूँ, लेकिन उसका भाई बोलता है कि नहीं तू नहीं बन सकता। वो थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं, वो मतलब मोइचिरो से उतना अच्छा मतलब ऐसा मतलब प्यार करते हैं जैसे बड़े भाई लोग जैसे करते हैं, दिखाते नहीं, तो वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे, लेकिन अच्छे वक्त वो मतलब सही में सोचा जाए, सही तरीके से सोचा जाए तो वो एक्चुअली उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो शॉर्टमैन बनेगा तो डेमन्स को मारने जाएगा, जो कि उसकी लाइफ रिस्क में डालेगा, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना बोलता है। एंड देन वो लड़की जो था, मेरे को ऐसा लगता है वो मुजान का, वो जो लड़की मुजान के साथ कॉन्टेक्ट था तब जब इरुची के टाइम था, तब से जब इरुची ने उसको आज़ाद कर दिया था उसके बाद शायद वो अलग बना, मेरे को ऐसा लगता है, तो पूरा पर कन्फर्म नहीं हो लेकिन ऐसा हो सकता है। तो वो लड़की को वो रिजेक्ट कर देता है, मोइचिरो का बड़ा भाई समझ लो ट्विन ब्रदर जो बड़ा समझ लो कि वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि मोइचिरो उसकी हर बात मानता था और उसका बात करने का तरीका भी थोड़ा सा क्रूशियल था, मतलब थोड़ा सा गुस्से में बात करता था। देन एक दिन क्या होता है कि वो लोग साथ में रहते हैं गर्मी के टाइम पे और डेमन हमला कर देते हैं, एंड उसी वक्त मोइचिरो को बचाते हैं, उसका भाई का पूरा हाथ कट जाता है और डेमन बहुत गंदा हमला कर देता है, पूरा ब्लड मतलब उसका भाई का जो चीखने का जो तुम देखोगे तुम्हारा खुद का सीना फट जाएगा कि भाई क्या ब्रूटल तरीके से डेमन ने मारा, मतलब पूरा एकदम हाथ काट दिया और बहुत ज़्यादा दर्द में था। एंड देन मोइचिरो अपना पावर अनलॉक करता है और वो बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं था मैंने क्या किया, बस मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ ब्रीदिंग निकल रहा है, जैसे मैं सांस लेता हूँ वैसे कुछ ब्रीदिंग निकल रहा है। और उसके बाद वो जब होश में आता है तो देखता है कि डेमन को बहुत ब्रूटल तरीके से मारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पत्थर से पूरा सर फोड़ दिया और वो कुछ लकड़ी वगैरह पूरा बॉडी पे ऐसे मतलब जैसे कीले ठोकते हैं ना वैसे ठोक दिया, और जब सनराइज होता है तो वो मर जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द में रखता है उस डेमन को। और देन वो घर जाके देखता है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है, मतलब उसका ट्विन ब्रदर मर चुका है, तब उसकी उम्र 11 साल का था और वो पूरा अकेला बन चुका था, और देन वो शॉर्टमैन बना। और ये जो कहानी है मतलब इतना ज़्यादा सैड था, मेरे को सही में बहुत ज़्यादा सैड लगा, तुम लोगों को ऐसा लगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई 10 साल की उम्र में माँ बाप को खोना, 11 साल की उम्र में भाई को खोना, अकेला रह जाना बहुत ज़्यादा सैड होता है। एंड इसीलिए उसको मतलब तुम देखोगे उसके पास फीलिंग नहीं है, वो थोड़ा सा फीलिंग ले सके क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सबको खो दिया यार, अब उसके पास क्या फीलिंग होगा, इसलिए उतना ज़्यादा पावरफुल है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसके डेमन के ऊपर हमला करना, उसका पहले एक और बात कि उसका मार्क आना, वो जो मार्क आता है ना उसके मुंह पे एक मार्क आता है, जो कि तांजिरो का जैसे जब हिनोकामी कागुरा यूज़ करता है सर पे आता है, वैसे ही एक मार्क आता है, और देन उसका पावर बहुत ज़्यादा ओपी लेवल पे चला जाता है। एंड देन वहाँ से वो जब अपर मून 5 से लड़ाई करता है एंड जब उसको मारता है, भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा था, एनिमेशन की बात तो नहीं करते क्योंकि वो हमेशा ओपी लेवल पे था, तो वहाँ से जब उसको हमला करते हैं और अब अटैक करने के बाद उस और बात ये है कि अभी भी जो तंजीरों का जो शॉट बनाता है और तुमेरी क्या नाम है, वो अभी भी वो शॉट पे रहने उसका एक आंखें फाड़ दिया उस डेमन मापन 5 ने, फिर भी वो शॉट बना रहा है,
पूरा शरीर भी एकदम घाय बिछा दिया, फिर भी साला सॉर्ड बना रहा है। इतना मतलब यूरुची का सॉर्ड है यार, इतना तो कॉन्सेंट्रेट बनता है उस बंदे के लिए। मतलब समझ लो कि यूरुची डेमन स्लेयर का गॉड है, ऐसा समझ लो। तो वो उसका सॉर्ड है, मतलब कितना ध्यान में रहेगा। तो उसका ध्यान में जब मोइचिरो का हमला होता है और जब अपन मून फाइव दोनों हमला करते हैं, पूरा घर वेस्ट, मतलब अपन मून फाइव हमला करके पूरा घर तबाह कर देता है। और उसी वक्त जो चांजिरो का शॉर्ट बनाता है, वो क्या करता है, वो फिर से वो शॉर्ट बनाने लगता है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है उसके ऊपर, क्या चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं। उसको सब शॉर्ट्स है, मतलब उसे उसको बनाना है, क्योंकि उसको उससे जो खुशी मिल रही है ये सारे दर्द से बहुत ज़्यादा ऊपर है। एंड देन हमें दिखाया जाता है मोइचिरो का अटैक, जहाँ पे वो अटैक करता है और उसका वो जो फेस था उसका कितना जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। देन लेकिन मोइचिरो इतना फास्ट था कि उसी ट्रांसफॉर्म करने के बावजूद भी उसके उस मतलब उतना ट्रांसफॉर स्पीड के होने के मतलब होते हुए भी उसने मार दिया, उसके गले पे घाव दे दिया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपना फाइनल अटैक लगा रहा है और उसी वक्त एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड एपिसोड खत्म होते ही मेरे को एक ही चीज़ याद आया, वो है तांजिरो। मतलब एपिसोड पूरा चलते हुए मेरे को ध्यान में नहीं आया कि तांजिरो मेन करेक्टर है, उसको दिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये लोग इतना बढ़िया एपिसोड बनाए, इतना अच्छे से स्टोरी को बिल्डअप किया कि भाई तांजिरो को याद ही नहीं आएगा। मतलब ऐसा लगता है कि कोई और चीज़ देख रहा हूँ, कि मोइचिरो का अलग एनिमे देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा बढ़िया बनाया ये एपिसोड। और ये एपिसोड मतलब एक के बाद जब एपिसोड बढ़ता जा रहा ना, मेरे को लगता है एक के बाद एक फेवरेट होता जा रहा है, इतना बढ़िया एपिसोड था। तो ये एपिसोड ऐसा लगता है कि अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है मोइचिरो का अटैक, और देन हमें शायद अभी तांजिरो को दिखाया जा सकता है, क्योंकि या फिर तांजिरो को अपर मून फोर से लड़ते हुए दिखाया जा सकता है, या फिर मोइचिरो के साथ लव हशिरा भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यही कुछ हो सकता है। तो वीडियो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना मतलब तुम्हें मोइचिरो कैरेक्टर कैसा पसंद आया या नहीं, और फ्यूचर में उसका क्या फ्यूचर है। मेरे को पता है वो मर जाने वाला है, सारी स्पॉइल कर दिया, तो कमेंट में बता देना। और यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।